हरियाणा में ई टेंडरिंग को लेकर बवाल मचा हुआ है। सीएम आवास घेराव के लिए जा रहे सरपंचों पर पंचकुला में पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया, जिसमें 100 से अधिक सरपंच घायल हो चुके हैं। वहीं पंचकुला पुलिस ने देर रात 4000 सरपंचों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। इधर रोज स्वरूप सरपंचों ने भी चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर पक्का धरना लगा दिया है। सरपंचों का कहना है कि हम चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर से अपना धरना तब तक नहीं उठाएंगे जब तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद बातचीत के लिए नहीं आते। जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती तब तक चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर ये धरना जारी रहेगा। हमें अब चाहे सरकार की गोलियां ही क्यों ना खानी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। बता दें कि ई टेंडरिंग के विरोध में प्रदेश भर से सरपंच पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में पहुंचे थे। दोपहर 1 बजे लगभग 5000 की संख्या में सरपंचों ने चंडीगढ़ के लिए कूच किया, जहां सरपंचों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। हालात बेकाबू होने पर पंचकुला पुलिस ने सरपंचों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसमें 100 से अधिक सरपंच घायल हुए हैं। इस मामले में देर रात लगभग 11 बजे पंचकुला पुलिस ने सरपंचों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि ई टेंडरिंग को रद्द किए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि इस नई व्यवस्था से गांव में विकास कार्य सुचारू होंगे तथा साथ ही पारदर्शिता भी आएगी। उनकी इस नई व्यवस्था की तारीफ हरियाणा दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कर चुके हैं, लेकिन सीएम का ये फैसला सरपंचों को रास नहीं आया। बहरहाल जिस तरह से सरपंचों पर पंचकुला में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुआ है, उसके बाद सरपंचों और सरकार में दरार और बढ़ गई है। वहीं मामला दर्ज करने के बाद हालात और बिगड़ चुके हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन अभी मुस्तैद है। वहीं यदि अब सीएम स्वयं बातचीत के लिए जल्द सरपंचों से नहीं मिलते तो मामला संवेदनशील होना लाजमी है। खैर, हमारे दर्शक इस मामले में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और खबर को लाइक शेयर जरूर करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें YouTube पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।